संभागीय परिवहन विभाग में चल रही संपूर्ण समाधान योजना के तहत टैक्स में मिल रही छूट के चलते कॉमर्शियल वाहन स्वामी टैक्स जमा करा रहे हैं। 3 माह के लिए चलाई गई इस योजना में मंडल में अब तक 4.5 करोड़ की धनराशि जमा कराई जा चुकी है। संभागीय परिवहन विभाग कॉमर्शियल वाहन स्वामियों के हित में संपूर्ण समाधान योजना चला रहा है। इस योजना के तहत वाहन स्वामियों को टैक्स में छूट मिल रही है। एआरटीओ प्रशासन अनिल कुमार सिंह का कहना है कि भारत में 1939 में मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ था, इसके बाद 1988 में संशोधन किया गया, लेकिन आज तक ओटीएस योजना लागू नहीं की गई थी। इस वर्ष 22 जून को 3 माह के लिए लागू की गई इस योजना में वाहन स्वामियों को बिना पेनल्टी टैक्स जमा करने की छूट दी गई है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1939 में लागू हुआ, 1988 में उसमें संशोधन हुआ, नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ। टैक्सेशन राज्य सरकार का मुद्दा है। जब से मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ तब से परिवहन कार्यालय और ये टैक्स की प्रणाली मौजूद रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार परिवहन विभाग ने ओटीएस स्कीम लागू की। कोविड इत्यादि की परिस्थितियों में बहुत सारे ट्रांसपोर्टरों का बकाया रह गया था। संपूर्ण समाधान योजना में जिन वाहन स्वामियों का टैक्स बकाया है वो बिना किसी पेनाल्टी के अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। एआरटीओ प्रशासन अनिल कुमार सिंह का कहना है कि 55 से 56 दिन में 1360 आवेदन परिवहन विभाग को मिले, जिसमें 950 आवेदन का निस्तारण किया गया है। इस संपूर्ण समाधान योजना में 4.5 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हो चुका है। समाधान योजना की अंतिम तिथि 26 अगस्त है, लेकिन 1 माह के लिए समय अवधि बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान सरकार ने ये एक बड़ी राहत दी है। आगरा मंडल में अब तक इसमें 1360 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 950 निस्तारित हुए हैं और लगभग 4.5 करोड़ रुपए की प्राप्ति भी हुई है। अभी इस स्कीम के कुछ दिन शेष हैं और वाहन स्वामियों से मेरी अपेक्षा होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिनके ऊपर टैक्स बकाया हो वो जमा करा के इस योजना का लाभ उठाएं। संपूर्ण समाधान योजना टैक्सेशन राज्य सरकार की तरफ से लागू की गई है। कोरोना काल में टैक्स जमा न करने वाले वाहन स्वामियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। एआरटीओ प्रशासन एके सिंह ने वाहन स्वामियों को 1 माह का समय बढ़ने पर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।